मेरे इस सवाल को जो उठाया गया, मैं सरकार के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ये लोकशाही है और इस देश के भीतर इतनी पार्टियां हैं, उतने ही मतभेद हैं, लेकिन देश में एक आम सहमति है कि हम बाहर एक हैं। विदेश नीति जो है, विदेश फॉरेन पॉलिसी जो है, वो हमारी लगातार आम सहमति उस पर रही है। और आनंद शर्मा ने जो बात उठाई है, मैं भी महसूस कर रहा था, प्रधानमंत्री बाहर जा रहे हैं और ज्यादा जा रहे हैं, इसका मुझे इस पर कोई ऐतराज नहीं, एक खुशी है। लेकिन एक बात जरूर है कि जो उन्होंने बाहर भाषण दिए हैं, उसमें ध्वनि देश के आंतरिक मामलों पे, हमारे आंतरिक लोकतंत्र के ऊपर कई तरह का, ऐसा क्या कह रहे हैं आप? नहीं, आप बंदर खड़े होने पे बोल रहे हैं, यू विल गेट अ चांस, योर मिनिस्टर विल गेट अ चांस रिप्लाई, आई विल लिसन टू योर दिस साइड ऑल्सो। आपने अकेले हम लोगों के लिए नहीं कहा, जो ट्रेजरी बेंचेस के लोग हैं उनको भी कहा कि मैं, आपने आदेश दिया कि आपको भी मौका मैं दूंगा। ये इतना ऐसा मामला नहीं है, यदि उठता नहीं तो मैं नहीं खड़ा होता। ये मामला उठा दिया आनंद शर्मा जी ने, तो इसलिए ये देश में पहली बार महसूस हो रहा है। और इस देश में यानी हम भीतर कितनी तरह से सदन में एक दूसरे के साथ यानी बहस में उलझते हैं। और विनय कटियार जी, आपको मंत्री नहीं बनाया जाएगा, आप ऐसा मत करिए। और हमारे जैसे लोग, आप इतने शरद जी, आप इतने सीनियर लीडर हैं, आप किसी भी सदस्य पर इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी, आप जैसा सीनियर लीडर करेगा तो कांग्रेस के आप करप्शन को, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? कांग्रेस ने अगर जो कुकर्म किया है तो आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? आप तो गैर कांग्रेसवाद के ध्वजवाहक रहे हैं। आपने कांग्रेस के करप्शन और कुशासन के लिए संघर्ष किया है, कांग्रेस के करप्शन और कुशासन की वजह से आपातकाल में जेल में रहे हैं। कांग्रेस के साथ नरेश जी, सिट डाउन। आप लोग बैठिए, बैठिए। ओनली व्हाट शरद जी सेज विल बी ऑन रिकॉर्ड। मैं ये कहना चाहता हूं कि कदम कीजिए, खास करके आपके, तो और लोग भी बोलेंगे आपके जर्मनी में कदम भी डिस्कशन। भाई बोलना, लेकिन छोड़ो तो।